स्वच्छता सर्वेक्षण में ज्यादा से ज्यादा अंक पाने के लिए इन दिनों नगर परिषद इंद्रगढ़ में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नगरीय क्षेत्र में पूरी तरीके से पॉलीथिन मुक्त का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने सड़क किनारे और अन्य स्थानों पर लंबे समय से पड़ी हुई जमा पॉलीथिन को एकत्रित कर ट्रैचिंग ग्राउंड में जमा करवाया है। नगर परिषद के प्रशासक अनुराग निंगवाल के निर्देश पर नगर परिषद के चारों ओर सड़क मार्ग और खाली पड़े भूखंडों पर पॉलीथिन की साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पॉलीथिन उपजाऊ भूमि को बंजर बना देती है, पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करती है, ये नष्ट नहीं होती। इसके अब समय आ गया है कि सभी लोग पॉलीथिन का उपयोग बंद कर दें और नगर की साफ सफाई और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दें। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि उनके अच्छे कार्यों के लिए पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें और समय समय पर साफ सफाई के लिए क्या और बेहतर किया जा सकता है अपने सुझाव देते रहें। साथ ही अपने आसपास साफ सफाई करने वाले और स्वच्छता में सबसे ज्यादा नंबर लाने के लिए अपना योगदान देने के लिए नगरीय निकायों का सहयोग कर लेने के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने पॉलीथिन मुक्त नगर का संकल्प दोहराते हुए सभी समाज सेवियों दुकानदारों से अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाने की अपील की है। सूरत है, अहमदाबाद, हैदराबाद, कई ऐसे शहर मैं जानता हूँ जो काफी बेहतर है, लेकिन एक समग्र तौर से जो मूल्यांकन होता है उसमें पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम एक शहर के रूप में किस प्रकार से अपने को प्रेजेंट करते हैं, उसमें पब्लिक का जो परसेप्शन है, मीडिया क्या प्रोजेक्शन कर रही है, तो जो ओवरऑल एक जो वातावरण बनता है वो सब मिला कर करके इंदौर आगे हो जाता है। सेम प्रकार का चैलेंज हमारे लिए यहाँ भी है। कई बार तमाम कमियों के बावजूद हम दतिया में जो श्रम करते हैं, जो संसाधन रिसोर्सेस की कमी रहती है, इसके बावजूद हम उस प्रतिस्पर्धा में बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मीडिया के साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सकारात्मक कम से कम एक दो महीने पब्लिक को उभारिए, दतिया के गौरव के लिए काम करिए, और अगर कमी और अच्छाई के बीच में आपको चूज करना हो तो आप अच्छाई चूज करिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना निगेटिव रहने से हमेशा बेहतर रहता है, और जो हमारी कमियां हैं उसको आप इंगित करते रहिए, लेकिन कमियों की तुलना में हमारे श्रम, हमारे जो मेहनत है, हमारे जो वो, उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और साथ में पब्लिक में भी एक अच्छा वो जाता है, और जब एक अच्छा वातावरण बनता है, एक अच्छा मैसेज जाता है, तब पूरी पब्लिक और जनमानस मिलकर के एक टीम के रूप में काम करता है। तो एक तो ये पहला निवेदन, दूसरा यही कि जो अगले संडे है अर्थात परसों सुपर क्लीन दतिया, ये भी एक